ये बहुत खुशी की बात है, और क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसी का हिस्सा है ये वेस्टर्न इंडिया फिल्म टीवी प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, और जो लाइन्स क्लब के साथ मिलकर हम सब अच्छी तरह जानते हैं लाइन्स क्लब बहुत काम करते हैं इस तरह के, लेकिन हमारी अपनी वेस्टर्न इंडिया जो एसोसिएशन है वो साथ में जुड़ी है। वो सिर्फ ये फिल्मी फैमिलीज के लिए नहीं है ये सुविधा, कोई भी आके कर सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इनकी काफ़ी पब्लिसिटी होती है इस बात को लेके कि जब इस तरह के शिखर लगते हैं तो कोई भी आके अपनी आँखें दिखा सकता है यहाँ पर। और देखिए कितनी बड़ी बात है ये, हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं और उस तरह के शिखर जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा होते रहना चाहिए। और उससे ज़्यादा खुशी होगी कि हमारी फिल्म की जो फ्रेंडिटीज़ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो भी साथ जुड़ के इस तरह के काम करते रहें, और हमें जब जब मौका मिलेगा, जब जब कहा जाएगा, हम भी लाइक विल मेक श्योर दैट हम भी ऐसी जगहों पे पहुँचें। और मैं फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो जिन्होंने अपना समय निकाला और साथ मिल के एक साथ होके तभी काम बनते हैं, एक आदमी से नहीं होता है, सब लोग जुड़ते हैं तभी कारवां बनता है। तो मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेटिंग वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, लायंस क्लब के साथ मिलके जो इन्होंने इनिशिएटिव उठाया ये काफ़ी ज़रूरी था, काफ़ी अच्छा लग रहा है जुड़ के। एंड आई लाइक टू थैंक पवन जी, पवन अंकल टू हैव अस हियर, एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। आइए पाजी आप। वेस्टर्न इंडिया एंड फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स और लायंस क्लब ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलके ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं यही कहूँगी कि ऑलवेज लोगों को इस तरह की मदद मिलनी चाहिए, और बड़ी खुशी होती है कि इसका पार्ट हम भी बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। हम एक्टर्स इसमें सहयोग देके यही जताना चाहते हैं कि हम सभी आपके साथ में हैं, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर यू नो गेटिंग दिस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन अ ब्यूटीफुल वे। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली एसोसिएशन दोनों से कनेक्टेड रहा हूँ, लायंस क्लब से भी और प्रोड्यूसर एसोसिएशन से भी। तो मैं लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम और हमारे जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, इन्होंने मिलकर जो काम किया है वो बहुत कमाल है। सब बोल चुके हैं, इसमें ज़्यादा रोशनी मैं क्या डालूँ, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि पैसा सब कमाते हैं, लेकिन उस पैसे के साथ साथ थोड़ा सवाब का काम, थोड़ा सोशल काम होना चाहिए। और वो ये जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतनी तादाद में लोग आए हैं, ये इनकी मेहनत का नतीजा है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। और हम सब मिलकर इसलिए आए हैं क्योंकि हम भी उसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट हमारी तरफ से हमारी ये प्रेजेंस है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान की आंखें अच्छी होनी चाहिए। आंखें अच्छी होंगी तो हमारी फिल्में देखेगा ना, वरना हमारी फिल्में कैसे चलेगी, हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो दो शब्द मैंने अभी जो ये कहे थे फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए कि दो शब्द, दो आंखें हैं, लेकिन दो आंखों से जिस दिन दो नज़र आने शुरू हो जाए उस दिन मतलब गड़बड़ है। दो सिर्फ आंखों का कमाल नहीं है, दो पैरों का है, दो पैरों का भी यही है। दो पैरों से आपको एक ही रास्ते पर चलना पड़ता है, आप दो पैरों से दो रास्ते पर नहीं चल सकते, दो हाथों से दो काम नहीं कर सकते। तो दो आंखें, दो पैर और दो हाथ, ये सब एक ही चीज़ देखते हैं, एक ही काम करते हैं, एक रास्ते पर चलते हैं। तो मेरी ये जो बहुत इन्होंने आज एक सवाब का काम किया, एक पुण्य का काम ये कर रहे हैं लायंस क्लब वाले और वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है सब मिलकर, कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी फ्री आई कैंप कर रहे हैं, फ्री चेकअप है, फ्री मेडिकल है, फ्री चश्मे भी फ्री में मिल रहे हैं, तो इसका मैक्सिमम लोगों को फायदा उठाना चाहिए। थैंक यू। उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट, क्योंकि दो शब्द बोलना इतने बड़े चीज के लिए तो कम है,
इसके लिए शब्द ही नहीं है, ये जो पुण्य का काम हो रहा है, आई मीन दिस इज अमेजिंग, कोई शब्द ही नहीं है मिसाल, जो जो सबने बोला है सब कॉपी पेस्ट कर। Film Producers Association. I'm very happy that we had organized this camp and it was very successful, but we have got so many entries. This is a very good platform. Today we have been having cataract operation today, free cataract operations, and we have cited minimum 500 operations to be done, and big big bodies have come here to grace the occasion. Okay ji, aapka naam nahi jaanta. गुड इवनिंग आए हुए हैं हमारे लिए, बहुत बढ़िया धन्यवाद। एंड ऑल माई मेंबर्स एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड द वॉलंटियर्स विच वी हैव कम हेड ओवर हियर टू सर्व द पर्सन ओवर हियर, इट्स गुड ऑर्गेनाइजेशन। वी होप वी विल हैव अनदर दिस टाइप ऑफ कैंप इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अंधेरे से रोशनी में लाना मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा काम है। वेस्टर्न एसोसिएशन और लायंस मिलीनियम क्लब ने जो ये काम किया है, हमारी हमेशा जब भी ये बुलाएंगे हम हाजिर हैं, हमारे से जो भी सहयोग होगा। ये इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और किया भी है, देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ आई है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनका इलाज कराना मैं बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है। खाना कम खा लेंगे लेकिन आँखों की रोशनी दे दें, इससे बड़ा और क्या काम होगा। धन्यवाद। ये आयोजन हम लोग हर साल करते हैं वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की वजह से, कि जो लोग उनको आय का प्रॉब्लम है और जिनके पास ऑपरेशन अगर सब करने के लिए नहीं रहता कोई पैसा भी सब, तो उनके लिए एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ये काम करते हैं और ये सुविधा देते हैं कि जिनका ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन के लिए जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी खर्चा रहेगा, जो भी मेडिकल टेस्ट रहेगा, मेडिकल का जो भी गोली वगैरह देना होगा वो हम लोग हमारे एसोसिएशन की तरफ से फ्री देते हैं। अभी तक तो हम लोग ने 500 के ऊपर क्रॉस किया है, 500 के ऊपर है अभी। नहीं वो तो बता नहीं पाएंगे हम लोग, कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे उसके बाद डॉक्टर बताएगा और लास्ट में जब वो ख़त्म हो जाएगा तब हमको मालूम पड़ेगा कितने लोग का ऑपरेशन है, लेकिन कम से कम 70 से 80 के लोग का ऑपरेशन जरूर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ऑपरेशन का पैसा जो है ना, वो भी पेशेंट को देना नहीं पड़ेगा, उनका जो है ऑपरेशन के पहले का दवा खर्चा, ऑपरेशन के बाद का दवा खर्चा, उनका सारे टेस्ट जो होंगे ना, वो सारा चीज़ का खर्चा जो है हमारी एसोसिएशन जो है बियर करेगी। ये वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से ये आयोजित किया गया है कि आई आँखों के ऑपरेशन, आँखों के मोतियाबिंद, ये सब जो भी आँखों का प्रॉब्लम है वो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स प्लस बाहर के भी जो मेंबर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं उन सबों के लिए ये रखा गया है। और इसमें हमारे पूरा कमेटी के लोग इसमें सब साथ दे रहे हैं और जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो आँखों से बाधित हैं उनके लिए ही ये स्पेशल रखा गया है। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा, मुझे ऐसा नहीं होगा कि इतने आ जाएंगे लोग हमारे यहाँ मेंबर, और जो तकलीफ में है, जो दुख में है, वो इतने ज़्यादा आ जाएंगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आकर वो लोगों ने हमें प्रसाद दिया, हमारे एसोसिएशन को आगे बढ़ाने में और कामयाब होंगे, इन्हीं की सहायता से आज हम खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से और भी कैंप लगाए फिल्म इंडस्ट्री के भलाई के लिए, फिल्म इंडस्ट्री की सेवा के लिए। बस यही निवेदन रहेगा। और आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री है ये तो क्लियर है, लेकिन एक लेंस में लगता है उसका चार्ज करेंगे? बिल्कुल चार्ज नहीं है सर, जितने भी यहाँ ऑपरेशन है या चश्मा जो वितरित हो रहा है, चश्मा जो दिया जा रहा है, उनको दवाइयाँ जो दी जा रही है, वो सब मुफ्त है सर, सब फ्री है, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से, ना अभी ना बाद में किसी भी तरह से। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश मित्तल है, मैं फिल्म अपना वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन में कमेटी में हूँ और बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसी तरह से हमेशा आप हमें आशीर्वाद देते रहें, मुझे सेवा का मौका दें। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी
Today morning, I'm here representing Western India Film Producers Association, and we have organized this in association with Lions Club of India. I give my best wishes, taking this opportunity. Yesterday only I got the invitation to come to this place. It's a wonderful work that hum ek milke jo aankh sabse amulya hai uske bare mein soch rahe hain, aur Western India Association ne jo you Lions Club ke sath milke ye kiya hai, ye bahut hi badhiya kaam hai. And on this platform I wanted to say something about the projects which we are doing. Abhi meri film Lal Pahad Ghost the Missing Files ye complete hui hai, aur it is about the missing files of Netaji Subhash Chandra Bose, jisme bahut sari cheeze ye hai. To Western India ne jab mujhe ye invitation diya to I took this opportunity. Main khud aaya hu kyunki jab main jungle belt Asia ke second largest forest belt mein shoot kar raha tha, to there is some infection in my right eye, aur ye main khud check up karunga. Maine doctors wagera ko dikhaya hai, thoda chashme ka power wagera change hoga, but I wanted to share my feelings that आँखें अमूल्य है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो हम सब मिलकर कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया प्रयास है, और आप जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आई एम रेडी टू आंसर इट. थैंक यू सो मच. मैं फेडरेशन की तरफ से, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ. संग्राम सिरके जी और उनकी टीम जो काम कर रही है लायंस क्लब के सपोर्ट से, एक बहुत बड़ा काम है. मैंने अभी सुना कि 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है. पेंडेमिक के बाद से हर आदमी की ज़रूरतें बढ़ी हैं, प्रॉब्लम बढ़ा है, और इस तरह के कैंप होने चाहिए. मैं खुद भी चेकअप कराने के लिए आया हूँ, तो मैं इस कैंप का दिल से स्वागत करता हूँ, और आप सबका सपोर्ट चाहता हूं कि सब लोग मिल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें. और 26 तारीख को भी कैंप लगा हुआ है, होने जा रहा है, जिसके हम उसमें भागीदार हैं. बहुत बड़ा कैंप है. इस कैंप को जितना भी लोग आ सकते हैं आएँ और काम करें, अपनी अपनी आँखों का चेकअप कराएँ. सुना है चश्मा भी फ्री है, चेकिंग भी फ्री है, तो हमारी तरफ से जो एसोसिएशन है प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. है ये आय के लिए, आंखों के लिए है, और ये वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने लायंस क्लब के साथ आयोजित किया है. जितने हमारे वेस्टर्न के मेंबर है और जितने लोग हैं जिनको आंख दिखानी है, यहाँ फ्री चेकअप और फ्री आय का ऑपरेशन किया जाएगा. तो ये सब लोगों ने मिल के मेहनत की है और ये काफ़ी सक्सेस हुआ है. इंडिया फिल्म्स, हेलो हेलो, और टीवी जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, ये इनका बहुत शानदार काम है, और मुझे खुशी है लायंस क्लब के साथ मिलके सिर्फ इंडस्ट्रीज की फैमिलीज के लिए नहीं, कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है और इस चीज़ का फायदा उठा सकता है. ये सब इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपकी सोच, काम तो हम सब करते हैं, पैसे भी कमाने की ओर में लगे रहते हैं, लेकिन जहाँ कुछ लोग दिल के अच्छे काम के बारे में सोचते हैं वो सबसे ज़्यादा फायदा अगर जल्द ही रूप में होता है. मुझे लगता है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं भी इस मौके पर शामिल हो पाया. तो मैं वेस्टर्न इंडिया एसोसिएशन जो है हमारी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ. इसी तरह के आगे भी शक्ल लगते रहें. हम जब जब हमें मौका मिलेगा, जब जब आप करेंगे हम भी हाजिर हो जाएंगे, यह मेरा फर्ज है. तो इसलिए मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ और राजीव मोदी जी के साथ में आया हूँ. यही आपकी बेटी हमारी प्रेजेंस के लोग जो हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिल के, ताकि हमारा अच्छा काम जो है वो आम आदमी तक पहुँच सके. तो जितने भी डॉक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि वो भी अपना टाइम निकाल के ऐसे कामों के लिए आगे आते हैं. उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू.